वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला याद कैसे रखें। जब ये आपको पता हो जाएगा तो 8.3 एक्सरसाइज एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीका से आप उसको बना लेंगे। तो देखते हैं ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको हम तीन हिस्सा में इसको बांट दिए हैं, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला पहला हिस्सा हो गया, ये बीच वाला हो गया और ये थर्ड वाला हो गया, जिसमें इसमें सिर्फ साइन और कॉस आता है। याद रखिए साइन कॉस, ठीक है। और इसमें कॉसेक और सेक आता है, यानी साइन का उल्टा वाला आता है और ये कॉस का उल्टा वाला आता है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो क्या होता है, टेन और कॉट होता है। यहां समझिएगा, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो इसका तो ट्रिक याद है। अगर पूछे, अगर आपसे पूछे कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहिएगा टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में। और जब कॉट का पूछेगा तो क्या बोलिएगा, टेन हो जाएगा। जैसे साइन का पूछेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस का। जैसे 90 माइनस थीटा आया, 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ साइन है तो ये पड़ोसी वाला कॉस हो जाएगा, अगर यहाँ कॉस रहेगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कॉस रहेगा तो साइन, अब बीच में क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए कॉसेक और सेक, ये तो ये भी याद हो जाएगा। ये दोनों ग्रुप करके याद कीजिए, दोनों में टी है, ठीक है, और दोनों में सेक है, याद हो गया। आई दोनों एक दूसरे के उल्टा बदल जाता है, ठीक है। अगर ये इसमें 90 माइनस थीटा होगा तो सेक हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेक है इसमें भी सेक है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। तो दोनों में अगर टी है तो अगर इसमें 90 लाएगा, टेन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। समझ गए। अब ये बच गया साइन और कॉस, तो वो भी होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये बात रही ग्रुप करके याद करने का, तो ट्रिक यही है, ये दोनों में क्या है, सेक है, तो ये एक दूसरे के क्या होता है, 90 माइनस थीटा करके बनाओगे तो जब सेक 90 रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा, और ये कॉसेक 90 थीटा रहेगा तो सेक हो जाएगा। ये कैसे बनता है, ये कैसे साइन कॉस का होगा, ये दोनों एक जैसा था इसीलिए एक दूसरे को हम 90 पर सेट कर दिए और ये 10 पर सेट कर दिए। तो हम लोग इसमें अब इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार तरीका से देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो यहां देखिए आपके एग्जाम में केवल मात्र 2 प्रश्न ही रहेंगे, केवल 2 प्रश्न ही इस लेसन से, यानी कि एक एक्सरसाइज 8.3 से रहेगा। और वो कैसा रहेगा, ध्यान से समझिए, या तो क्वेश्चन बट्टा में रहेगा या तो क्वेश्चन माइनस में रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बता रहे हैं, या तो क्वेश्चन किस में रहेगा, बट्टा में, रट लीजिए ये दिमाग में बैठा लीजिए, या तो फिर किस में रहेगा, जो कुछ नहीं जानता है कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो इसका हर एक स्टेप पर ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही क्यों होता है, ठीक है। क्यों याद करें भाई, हम बच्चा अगर क्वेश्चन करे कि भाई हम क्यों याद करें, ये क्यों क्या क्या लिख दिए हैं सर, कॉसेक को सेक बदलिए। चलिए ट्रिक तो समझ में आ रहा है, मान लीजिए कि कॉसेक है लास्ट में सेक है तो सेक वाला सेक में बदल जाएगा, इसमें भी टी है तो टी वाला टी में बदल जाएगा, और जो बच जाएगा दुगो साइन और कॉस तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। जब भाई अपन अपन जोड़ा खोज लिया है तो जो बचेगा वो अपने में जोड़ा बन जाता है, बन जाता है ना, तो साइन कॉस हो जाता है। वो तो बात की बात है, लेकिन उसको हम बताएंगे कि आखिर वही क्यों होता है। इससे पहले ये थोड़ा समझिए कि मात्र 2 टाइप के ही क्वेश्चन बाबू एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एक तो बट्टा में रहेगा, एक तो माइनस में रहेगा, ठीक है, याद ये चीज रखिएगा। अब देखिए इसमें क्लू क्या छोड़ता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा बट्टा देगा ना, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा। ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, अभी तो घटाव है लेकिन 35 और 55 जोड़ोगे तो कितना होगा, 90 होगा। यानी कि दोनों को जोड़ने पर 90 रहा है, इसका मतलब कि ये इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, 90 में से कुछ घटेगा, याद रखिएगा ये चीज। यही नंबर है जो आपको 90 माइनस थीटा पर सेट होगा। एक और ट्रिक आपको बताएं, कहीं भी अगर बट्टा में इस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे तो डायरेक्ट बिना देखे एक आंसर मारिएगा, उसका एक आंसर होगा, कितना आंसर होगा, 1 आंसर होगा। और अगर माइनस में ऐसे दे दे, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा। आप पूछेगा ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो गलत बात हो गया ना, लेकिन ऐसा ये गलत बात नहीं है। आप जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे आप खुद देखेंगे कि जो बट्टा में दिया होगा ज्यादातर, जितना भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर 1 आएगा, और जो क्या दिया होगा माइनस में दिया होगा उसका आंसर 0 आएगा। क्यों, तो बता रहे हैं क्यों। आप बताइए कि अगर एक ही, ये अलग अलग भी दिख रहा है लेकिन ये एक जैसा दिखने लगेगा, आप बताइए अगर 2/2 लिखें हम या 2-2 लिखें, तो बताइए अगर बट्टा में दिखता है तो 2 एकम 2 कर देते हैं, और यही चीज अगर माइनस में दिखता है तो 2 में से 2 जगह क्या कर देते हैं,
जीरो कर देते हैं। तो वही तो चीज़ ये दोनों है, ये दोनों बट्टा में है, लेकिन मामला ये फंसता है कि बट्टा में तो है लेकिन ये दोनों एक जैसा है, ई कहाँ एक जैसा है। अरे तो बदलेंगे ना एक जैसा, इसको हम लोग बदलेंगे, इसको भी एक जैसा बदलेंगे, तब दोनों एक जैसा हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा जीरो, और बट्टा में क्या हो जाएगा वन। तो देखिए आपको एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करना है, बट्टा में आएगा उसके आंसर एक मारिएगा और माइनस में आएगा तो घटने पर क्या होता है जीरो, डायरेक्ट जीरो मारिएगा। देखिए ये बदलते हैं, आप यहां बताइए ऊपर वाला सिर्फ एक को हमेशा जोड़ा में दिया रहता है, किस में दिया रहता है जोड़ा में, अगर जोड़ा में नहीं दिया है मे बी, अगर जोड़ा में नहीं दिया है तो एक चीज याद रखिए, इसमें अगर ये जोड़ा में दिया है तो अगर चार ठो, अभी ये दो ठो दिया है ना, अगर ये चार ठो ऐसे ऐसे करके दिया हो तो उसमें मात्र दो को बदलेंगे दो को छोड़ देंगे, यानी आधा बदलते हैं आधा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आधा बदलिएगा आधा छोड़िएगा तो आधा में से आधा घटा के जीरो कर दीजिएगा, ये भी वही होता है। साइन को बदलते हैं कॉस में, आप बताइए साइन 35 लिखा है यानी थीटा के जगह पर क्या है 35, इसमें साइन ये वाला है, साइन थीटा कैसे आया जब कॉस में से 90 में से थीटा घटाया गया, ये भी थीटा है और ये भी क्या है थीटा है, दोनों थीटा सेम है, तो साइन कैसे आया है ऊपर वाला जब कॉस में से 90 घटाए, यानी कि कॉस 90 माइनस ये भी थीटा वही है, वही दोनों सेम है, तो थीटा के जगह पर 35 किए हैं तो हमारा क्या आ गया है साइन आ गया है, ठीक है। अब बटा में 55 है तो 55 या कॉस 55 लिख दे रहे हैं, ठीक है, कॉस का कॉस लिखते हैं, ठीक है, 90 में से 35 जाएगा तो हो जाएगा 55। इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसको बोल रहे हैं कि साइन थीटा यहां पे है, भाई ये साइन थीटा आया कैसे, तो 90 में से क्या घटा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लिख दिए हैं कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या था ये था तो बदल दिया, इसको नहीं बदले हैं इसको वैसे ही छोड़ दिए, तो ये कॉस का कॉस लिख दिया, 90 में से 35 जाएगा तो 55 बचा, ऑलरेडी एगो नीचे कॉस 55 है, तो ये जब कटेगा सेम टू सेम तो कितने आंसर है वन आया। तो हमेशा दो गो दिया रहेगा तो एक गो बदलेगा, चार गो दिया रहेगा तो दो ठो बदलेगा। यहां देखिए इसको भी बदलिए कॉस साइन थीटा बदलिए, तो बताइए या तो इसको भी बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा कैसे आया है आप बताइए, कॉस में से क्या किए हैं घटाए हैं, तो कॉस 90 में से थीटा के जगह पे क्या है 35 घटाए, आई वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 में से 35 जाएगा तो 55 हो जाएगा और माइनस कॉस 55, बताइए दोनों सेम है, वो सेम आता ही है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो डायरेक्ट एक चीज याद रखिए, बट्टा में दिखे तो आंसर एक और वो चीज माइनस में दिखे तो आंसर जीरो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसके राय ये सभी एग्जाम्पल हो गया, बिना देर की एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस वन नंबर का क्वेश्चन आप देखते ही आंसर बोल देंगे मात्र 2 सेकेंड में, यहां देखिए तो कैसे बोलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए तो बट्टा में दिया है इसका आंसर क्या होगा एक होगा, बट्टा में दिया आंसर क्या होगा एक होगा, ये किस में दिया है माइनस में आंसर क्या होगा जीरो, माइनस दिया आंसर क्या होगा जीरो, हो गया आंसर, आप आंसर इसका देख लीजिएगा वही होगा। आपसे बताया भी थे क्यों, ये आखिरकार दोनों को बदल के सेम करना है और काट देना है, दोनों को बदल के सेम करना है काट देना है, मतलब दोनों को बदल के नहीं एक ही ठो बदला जाएगा, और एक ठो साइन में है तो ये किस में बदलेगा, साइन वाला हमेशा कॉस में बदलेगा, सिर्फ दो ठो दिया रहेगा तो एक ठो बदलेगा, चार दिया रहेगा तो उसमें दो ठो को बदलना, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक बदलेगा तो दोनों में से सेम टू सेम हो जाएगा, जब ये कॉस है साइन में बदल जाएगा तो साइन और साइन घटाने पर जीरो, ये कॉस एक है तो सेक में बदल जाएगा और ये घटाने पर जीरो, क्योंकि कॉस एक हमेशा किस में बदलता है सेक में बदलता है, दोनों में सेक लगा है लास्ट में, कॉस एक में सेक आता है ये भी, और टेन हमेशा किस में बदलता है टी वाला में यानी कॉट में बदलता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका आंसर मार सकते हैं। अब आप आंसर जब टिक कीजिएगा तो रंगने वाला आप कहेगा चार गो ऑप्शन में देख के मार देना है, लेकिन बना भी देते हैं साइन थीटा, या देखिए यहां पे साइन थीटा कैसे है कॉस 90 में से थीटा घटाए हैं, ऊपर वाला एक ठो बदल दीजिए, कॉस 90 में से थीटा के जगह क्या है 18 घटाना है, ये छोड़ दीजिए कॉस 72, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉस 90 में से 18 जाएगा 72 हो जाएगा, ऑलरेडी एक 72 दिया है इससे ये खत्म हो गया तो कितना आंसर आया वन आया, ठीक है। वैसे ये किस में है टेन में है, किस में बदल जाएगा कॉट में, दोनों का हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। सेकंड नंबर देखिए ये वाला है, तो टेन टेन थीटा कहाँ है टेन थीटा यहाँ पे है, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कॉट 90 में से थीटा को घटाना पड़ेगा, तो टेन को क्या कीजिएगा कॉट जब 90 में से 26 को घटाएगा थीटा यही ना, तो क्या मिलता है कॉट में से थीटा घटाने पर कॉट में से थीटा घटाने पर 10 मिलता है, तो ये वाला मिल गया इसके स्थान पर, ऑलरेडी ये क्या है कॉट 64 है,
तो हो जाएगा cot 90 में से जब ये जाएगा आपका 26 तो 64 और एक आपका क्वेश्चन में 64 खत्म हो गया, तो क्या बचा? 1 बचा। तो ये कटता है ऊपर नीचे तो 1 बचा और घटता है तो 0 बचा, ठीक है। तो ये दोनों 0 कैसे हुआ इसको भी देख लीजिए एक बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ बहुत आसान है। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, किसी एक को बदलिए ना। cos थीटा कैसे आता है, cos थीटा आता है साइन 90 में से थीटा घटाने पर, तो घटाइए तो साइन 90 में से 48 घटा लीजिए माइनस ये साइन, ये एक थो लिख दीजिएगा वैसे ही, साइन 90 में से 48 जाएगा तो 42 हो जाएगा और ऑलरेडी ये क्या दिया है, 42 दिया है। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0। बहुत लोग इसको ऐसे काट भी देते हैं, कटता नहीं है ये घटता है, ठीक है। तो क्या आ गया, 0। आपको एक वर्क दे रहे हैं, इसको आप बनाएगा वही सेक 90 माइनस 31 करके 90 में से 31 घटाइए तो ये बचेगा और फिर ये घटा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मज़ेदार तरीका से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मजेदार है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आपको तो मैथमेटिक्स 1% प्रेशर नहीं लेने दूंगा, ये गारंटी है मेरा। और जैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैथमेटिक्स आपका खत्म होने के कगार पे आएगा, उसी समय लेसन वाइज टोटल कितना लेसन है, 15 लेसन है, 15 लेसन टोटल है और लेसन वाइज मल्टीपल चॉइस होगा और ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा जो टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, जो हर साल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है और टोटल लेसन वाइज 15 या 20 दिन में टोटल लेसन का मल्टीपल चॉइस कराया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन करके आपको ना आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, कोई कोई बच्चा ला सकता है जो मेहनत करेगा। हम लोगों को वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, स्मार्ट वर्क करना है, मतलब कि टेंशन लेके हम लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है। यहां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग को लाना है साबित, क्या कर देना है 1, इसको सॉल्व करके। तो आपको एक चीज हम बताए थे, इसका तो इस्तेमाल करना है ठीक है, लेकिन 2 को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। बताइए 48 और 23 को जोड़ेंगे तो कभी 90 आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा ढूंढिए इसका जोड़ीदार, ऐसा ढूंढिए पेयर, ठीक है, कि जोड़ने पर 90 आए। तो ये वाला इसका अपना जोड़ीदार ढूंढ लिया बाबू, ये दोनों अपना अपना फ्रेंड ढूंढ लिया, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बच गया उसको जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों का सेटिंग हो जाता है बाद में, ये दोनों का भी जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 90। अब जब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो किसी एक को बदला जाएगा, क्या किया जाएगा, किसी एक को बदला जाएगा। या तो आप इसको बदलिए, नहीं तो आप इसको बदले, बस यही करना है। तो एक काम करते हैं, हम बदल देते हैं इसको या इसको, किसी एक को बदल देते हैं, ये दोनों में भी किसी एक को बदलेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि कैसे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां समझिएगा, यहां क्या दिया है, 10 थीटा, यहां क्या लिखा है बाबू, 10 थीटा। कैसे बदलेगा, जब ये किसमें हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 48, एगो ये दोनों में से एक बदल गया। अब ये दोनों में से इसी को बदल देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 23, आई दोनों को छोड़ दो, क्या है बाबू, 10 42 × 10 67 और लाना का है हमको 1, वो आएगा ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कॉट होगा, ठीक है, कॉट 90 में से 48 जाए, मतलब 48 जाएगा तो बचेगा 42 और यहां हो जाएगा इंटू है, कुछ नहीं होता तो इंटू लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉट 67। अब बाकी ये दोनों को लिख दो, 42 और 10 67। एक बात हमको बताइए, cot थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए फॉर्मूला, जब हम लिखे थे ऐसे फॉर्मूला, 10 थीटा और cot थीटा, आप बीच में दिए थे मल्टीप्लाई तो हो गया था 1, याद आ रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, cot थीटा बराबर निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अकेले छोड़ते हैं। तो इसको जब cot थीटा पता करना है तो 10 को भेजिए, गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर अकेले बचे cot थीटा और हो जाएगा 1/10 थीटा हो जाएगा, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा। तो वही cot 42 बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 42, ठीक है, और इनटू ये देखिए cot का क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है, 67 और इनटू ये वैसे ही छोड़ दो, दो को ही चेंज करना है,
42 और ये भी हो जाएगा 10 67। अब तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या है 10 42 10 42 खत्म, 67 वाला 67 खत्म, बचा क्या 1 और 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 1 आता है, ये आपका PROVED प्रूव्ड यानी साबित हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वन भाई आपको फॉर्मूला का ट्रिक हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, आप पूरे यूट्यूब पर वैसे ट्रिक नहीं देखे होंगे। ठीक है, जितने मजेदार तरीके से उसका कहानी बताया गया, जितने मजेदार तरीके से उसका ट्रिक बताया गया, एक ही चीज का दो दो ट्रिक बताया गया ताकि कोई तो आपको समझ आएगा, लेकिन दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीका समझे, पढ़िए ऐसा कि पढ़ाना सीख जाइए, वैसे ही आपको मेहनत करना है। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नंबर। अब यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, गौर से देखिएगा, जाहिर सी बात है चार है तो, चार है तो क्या होगा, इसमें से दो ठोको चेंज करेंगे और दो ठोको नहीं करेंगे। ठीक है, मेहनत पूरे एकदम जोर शोर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार तो मैथमेटिक्स से मोहब्बत करना है, मोहब्बत फिर से करना है, लेकिन इसमें बस कोई टूटने वाला नहीं है। यहाँ देखिए ये कॉस है और ये साइन है, एक साइड को चेंज कर दो दूसरा साइड सेम टू सेम हो जाएगा। आपसे ट्रिक भी बताया एक कि जब बीच में माइनस होते हैं सर तो जीरो होगा, लेकिन इस बार तो जीरो साबित करना है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस को बदलिए, कॉस बदलना हो अगर, इधर कॉस है तो उसके लिए साइन 90 करना पड़ेगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या है 38, इसको भी बदलिए, ये भी बदल जाएगा, साइन 90 के जगह थीटा के जगह क्या है 52। जब यहाँ कॉस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, इसको तो छोड़ दीजिए, बेचारा शरीफ है क्या इससे पंगा लेना है। ठीक है, मरे हुए को क्या मारना है। यहाँ देखो साइन 90 में से 38 जाएगा तो कितना होगा 52 होगा। ठीक है, और साइन 90 में से 52 जाएगा तो कितना होगा तो 38 होगा। और यहाँ देखिए साइन 38 और साइन 52, अरे यार इधर का और इधर का ये तो दोनों सेम आ गया, 38 इधर भी है 38 इधर भी है, 52 इधर भी 52 भी, और सेम चीज अगर रहता है और उसे हम लोग घटाते हैं तो क्या आता है जीरो, कोई भी चीज जो 4 हो तो घटाते हैं तो ये भी सेम है तो घटाने पे क्या आएगा जीरो आएगा, इसको बट्टा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, घटा रहे मैं जीरो, ये भी साबित हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया, ये भी साबित हो गया। तो ये है ना मजेदार, तो मजेदार है तो शेयर भी कीजिए लाइक भी कीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, बहुत आसान है, कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे a का मान निकालना है, ये क्वेश्चन दे दिया है जिसमें 2a एक न्यून कोण है, जो 2a है ना वो 90 डिग्री से कम है। a का मान अगर मान लीजिए 20 हो दिया तो 20 दुना 40 अगर हो रहा है, a का मान अगर 20 हो तो ये 90 डिग्री से कम है कि नहीं, कुछ भी हो a का मान लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों 2a 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन तो देख ले क्या है, क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये क्या बला है भाई, कोई बात नहीं देखते हैं, ये cot है ना और ये क्या है tan, कोशिश करो कि जो ये tan थीटा, थीटा का जगह पूरा का पूरा 2a दिया है। ठीक है, ये पूरा 2a को क्या मान लो थीटा, tan थीटा, tan थीटा को cot में बदलो, हमको tan थीटा कहाँ है देखो यहाँ पे tan थीटा है ना, cot में बदलने के लिए 90 का बात करेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा के जगह क्या है 2a है, और यहाँ पे cot बराबर a माइनस 18, ये वैसे ही उतार दो। ठीक है, cot से cot का कहानी खत्म हो गया, और यहाँ बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब एक जाति को एक जगह कर दो, a वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ ला लो, कोई गुस्सा नहीं होगा। 18 को लाते हैं 90 के पास और 2a को भेजते हैं a के पास, 18 माइनस में इधर आएगा तो नक्शा बदल जाएगा। आप याद कीजिए कि जब आप किसी चीज़ को जंप करते हैं और गलती से पैर उसमें लग जाता है तो आपका नक्शा बदल जाता है, वैसे ही ये भी तो जंप कर रहा है ना, तो जो भी चीज़ होगा इसका नक्शा बदल जाएगा, नहीं माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 90 प्लस 18, इधर अकेले क्या बचेंगे a, माइनस में 2a इधर जाएगा तो प्लस में 2a, 90 और 18 कितना होगा तो हो जाएगा 108, और 2 और 1 3a हो जाएगा, इसको कटा के देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 का 9 होगा। ठीक है, 1 बचा 3 6 18,
ए बराबर कितना आया 36 डिग्री निकल गया ए का मान, वही तो निकालना था। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम लोग देर नहीं करें, बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 4 नंबर देखिएगा, सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करने से एलर्जी है, एलर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिक्स बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं ना। यह है ना कि इतना मजाक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में है भाग मिला है। देखिए यहाँ पे ये देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, क्या करना है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री साबित करना है ना बाबू। यहाँ देखिए क्या करना है, किसी एक को चेंज कीजिए 90 माइनस थीटा पर। इस बार इधर वाला चेंज करते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही उतार देते हैं 10 ए, इसको चेंज करो। कॉट को बदलना हो तो 10 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, बी है। देखिए तो 10 से 10 खत्म, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी। ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ये तो साबित भी हो गया। कितना मिनट, 2 सेकंड में आपका आंसर ये आ गया। देखिए तो क्या किया हम, एक को बदल दिए। तो देखिए तो कॉट को अगर बदलना हो तो क्या लिखना पड़ता है, 10 90 माइनस थीटा। तो जहां कॉट था वहां 10 90 माइनस थीटा के जगह पे बी, 10 से 10 का कहानी क्लियर, ए बच गया। ये 90 माइनस, ये माइनस में तो इधर आया तो प्लस में हो गया, और ये 90 बच गया, ये डायरेक्ट हो गया पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड, सत्यापित हुआ। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें बहुत ही जबरदस्त दम है। दम समझते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो वही कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि sec a, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। ये जो भी 4 होगा 90 डिग्री से कम होगा, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल है तो a का मान निकालना है। आपको तो ट्रिक भी बता चुके हैं, sec किसे बदलेगा cosec में, या फिर cosec किसे बदलेगा sec में। आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुके हैं, क्यों, क्योंकि देखिए cosec के लास्ट में sec आता है तो ये sec में ही बदलेगा। tan किसे में बदलेगा, cot में, क्यों, क्योंकि इसमें भी t है और इसमें भी t है। लास्ट में बच गया साइन, तो वो तो कॉस में बदल लिया जाएगा। जो बचता है वो एक दूसरे को अपने को चेंज कर लेगा। यहाँ देखिए इसको बदलिए तो sec के जगह पे आप लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, तब ना sec होता है। तो थीटा के जगह क्या है, 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। cosec से cosec खत्म हो जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब एक जात को एक जगह कर दो, यानी कि माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस से तो क्या आ गया, प्लस। यहाँ अकेले बेचारे a बचेंगे, लेकिन है ना इसका 4a साथ देने के लिए, माइनस में इधर गया तो प्लस में 4a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 110, और ये 4a और एक ए कितना 5a, कटाइए 5 से, 5 दूना हो जाएगा 10, 11 है तो 10 कट गया दो बार में, तो एक बचा तो 10 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, a बराबर कितना हुआ, a बराबर आपका आ गया 22। तो एक मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आ रहा होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एक क्वेश्चन आप डीपली पढ़िए। जो आपको बीच में ये गैपिंग दिया जा रहा है, जो गैपिंग हो रहा है, वीडियो को अपलोड करने में समय लग रहा है, उतना देर में आप इसको इतना बार देख लीजिए, इतना बार रिवाइज कर लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से आए आपको अगर इसमें से, तो आपको इतना रिविजन कर लीजिए आंसर तक याद हो जाए। और रिजल्ट तो जब आएगा पूरे लोग जानेंगे कि आप कितना ज़बरदस्त किए हैं, ठीक है। आपको किसी को बताने के लिए लोग आपसे, आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा घर में और गांव में, ठीक है। तो ये इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, किस प्रकार से पूछा है, ध्यान से समझिएगा और मजेदार तरीका से। कह रहा है यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अंतः कोण माने होता है अंदर का कोण। एक त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी, क्या बना रहे हैं यहां पे, ए बी सी। त्रिभुज के अंतः कोण कौन है, ए बी सी ही है, ठीक है। यानी कि जो अंदर का कोण है वो ए बी सी ही है। त्रिभुज का नाम भी ए बी सी और इसके कोण भी ए बी सी। तो दर्शाइए, यानी दिखाना है, साबित क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, ये साबित करना है। लो भाई कुछ कह रहा है कुछ और, ये कहाँ से आ गए, ये कैसे साबित होगा। अरे होगा ना, एक बात जानते हैं, अंदर के कोण दे दिया है ए बी सी। आपको बता दें कि त्रिभुज में जब तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, 180 आता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जोड़िएगा तीनों कोणों को जितना भी हो, लेकिन जोड़ने के बाद 180 से ज़्यादा ही भी नहीं करेगा, केवल 180 आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं
हम हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब तीनों कोणों का योग साइड है तो जोड़िए तो तीनों कोणों को, कौन कौन है? ए को जोड़िए, एंगल बी को जोड़िए, एंगल सी को जोड़िए, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 180। ध्यान से समझिएगा, अब देखिए कैसे आप साबित करेंगे। इधर देखते रहिएगा क्या क्या लाना है, क्या क्या बी और सी को साथ में रखना है और यहाँ पे ए को अलग करना है, यानी बी और सी को साथ में ही ना लाना है, ए को क्या कर देना है, अलग कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करेंगे। और नीचे क्या आ रहा है? दो आ रहा है। अब सोचिएगा कि ये नीचे दो आएगा कैसे, जब कुछ दिमाग नहीं काम करता है तो एगो काम याद रखेगा हमेशा के लिए। नीचे दो ली तो दो से भाग दीजिए, देखिए तो यहाँ अगर दो से भाग दे तो नीचे दो दिखने लगा कि नहीं, तो यही काम आप भी कीजिए ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दो से भाग दीजिएगा तो दोनों तरफ देना पड़ेगा। भाई एक तरफ दीजिएगा तो ये वाला गुस्सा हो जाएगा कि सिर्फ आप अकेले अकेले हो जाए, मतलब कि दो से भाग इसमें हो गया, इसमें भी तो चाहिए। तो कोई भी काम जो खुद से किया जाता है तो दोनों तरफ किया जाता है ताकि कोई दुखी नहीं रहे। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, दो से भाग दे देते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ दो से भाग देने पर, तो दोनों तरफ दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बट्टा टू बराबर 180 डिग्रीज बट्टा में टू। दो से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब बताइए तो यहाँ बी और सी दो के साथ है और ए भी दो के साथ है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अच्छा बताइए, सबका बट्टा दो है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के नीचे भी बट्टा है, बी के नीचे भी बट्टा दो है और सी के नीचे भी बट्टा दो है। ये चाहे तो अपना बट्टा दो अलग अलग पर्सनल ले सकता है, तो ए अपना बट्टा दो अलग ले लेगा, कितना ले लेगा ए, क्योंकि यहाँ हमको जो लाना है वो टारगेट किया जाता है, ठीक है। एंगल ए बट्टा दो अलग कर दो और बी और सी को साथ में रखो, एंगल बी प्लस एंगल सी और बट्टा में क्या हो जाएगा, टू, और यहाँ कटा है तो कितना है, 90 आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ तो ये चीज़ हो गया आपका, ये प्लस में है, देखिए ए किधर है, बराबर के दाहिने साइड है, तो इसको दाहिने साइड भेज दें। ए प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर अकेले बचेगा एंगल बी प्लस एंगल सी बटा टू और इधर हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बटा में टू। इतना आपको समझ में आया होगा, ये एंगल का सिंबल है, कोण का, ठीक है। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है वो दीजिए, आपको वैसे भी इसमें दिया नहीं है। अब हमको क्या लाना है, देखिए बी सी बाई टू भी आ गया और यहाँ पे ए बाई टू भी आ गया, ठीक है। अब लाना है यहाँ पे साइन और कॉस, तो एक काम करते हैं हम, तो डायरेक्ट कैसे आएगा, आपसे एक चीज बताया था, जो काम करेंगे अपने से करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ, दोनों तरफ हम साइन से गुणा कर रहे हैं। क्या करें, आप पूछेगा सर आप साइन से गुणा अपने से क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ साइन लाना है और यहाँ कोई उपाय नहीं है कैसे आएगा, यहाँ कोई उपाय नहीं है कि कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइन से अगर गुणा करेंगे तो इधर भी साइन से करना पड़ेगा। अब फिर सोचिएगा कि इधर तो साइन है भी नहीं, आएगा देखिए कैसे आएगा, यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ किससे, साइन से, यानी साइन से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी और बट्टा में टू, इधर भी साइन से गुणा, साइन से हो गया और इधर भी साइन से गुणा करने पर क्या आएगा, 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। ये वैसे ही उतार दीजिए, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी इज बाई टू। आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा, जब भी 90 साइन के साथ आएगा तो साइन थीटा क्या बदल जाएगा, कॉस थीटा में, साइन 90 माइनस थीटा की जगह ये है क्या होता है, कॉस थीटा की जगह क्या है, ए बाई टू है। तो बताइए आ गया कि नहीं है, ये वाला सेम टू सेम ये चीज़ें आपको मिल गया। अब कहिए कि सर यहाँ एंगल नहीं आया, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस, ये टोटल आपका आ गया साइन, इधर पूरा ये लेफ्ट साइड वाला आ गया और राइट हैंड साइड वाला भी आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा यही ना था, थीटा के जगह पे भर दीजिए। तो ले लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, और बहुत ही मज़ा लगा हो इसमें
अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसका हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, इतना इजी क्वेश्चन ये दिया है, आप देखते ही टिक मारेंगे। देखिए कैसे, यहाँ समझिए, कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75। ये पता चला क्या लिखा है, 67 लिखा है और 75 लिखा है। इसको कुछ ऐसा कमाल कीजिए, ठीक है, कि ये किस में बदल जाए, 0 और 45 डिग्री के बीच में ही इसका आंसर आए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा कीजिए कमाल यहाँ पे कि क्या आंसर आ जाए, 0 और 45 के बीच में यहाँ रहे, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन 67 अब प्लस यहाँ कॉस 75, साइन को बदल दो कॉस में, तो कॉस 90 माइनस 67 लिख दिए, इस कॉस को बदल दो साइन में, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 75। ये हम इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि यह कॉस साइन बदलना मकसद नहीं है, हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पे 67 और 75, जो ये 67 और 75 है, इसको ऐसा बदल देना है कि क्या आ जाना चाहिए, 0 और 45 के बीच में ही नंबर बचे। तो देखिए ना, 0 और 45 के बीच में होगा, कॉस हो जाएगा 90 में से 67 जाएगा, यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 8 में से ये 23, ये हो गया। और ये साइन इसको बदलिए, आप इसको बदलिएगा तो ये 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 में से जब 7 जाएगा तो ये 15 डिग्री। अब बताइए कि ये वाला जो है 23 और ये है 15 डिग्री, बताइए 0 और 45 के बीच में आंसर आया है कि नहीं। तो बस यही तो बोल रहा था कि इस 67 और 75 को कुछ ऐसा कमाल करके दिखाई कि 0 और 45 के बीच में आ जाए, किसके 0 और 45, तो 0 और 45 के बीच में 23 और 15 डिग्री आता है। 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5, यही ना आता है जी, और 45 के पहले 44 तक आ सकता है, 44 तक, जो यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और यह एक्सरसाइज आपका पूर्णतः कंप्लीट हुआ, कंप्लीट भवा, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने 10th के एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। याद रखिएगा, आप खुद पर फोकस करेंगे, लोग आप पर फोकस करेंगे, इसीलिए ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ईगो नहीं आना चाहिए, और मेहनत तो इतना जोर से लगा के कीजिए, ठीक है, कि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। एक दिन आप देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट सबसे बेहतर होगा जब आपका मेहनत सबसे बेहतर होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ, और वो एक्सरसाइज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।